वतन से बेपनाह मोहब्बत, शहीदों के लिए सम्मान। जी हाँ, ये है विजय हिंदुस्तानी की पहचान। आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे युवा से जो भगत सिंह की छवि को अपने सीने पर गुदवाकर पूरे शरीर पर 51 तिरंगे पैवस्त करके पूरे बदन को बेड़ियों में जकड़कर क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु को शहीद का दर्जा दिलाने की मन्नत लेकर हरिद्वार से कांवड़ उठाता है और पैदल निकल पड़ता है पूरा महादेव की तरफ। विजय हिंदुस्तानी मूल रूप से भारसी गांव के रहने वाले हैं। जिस उम्र में युवा पीढ़ी व्हाट्सएप और फेसबुक की रंगीन दुनिया में खोई होती है, उस उम्र में विजय हिंदुस्तानी भगत सिंह की फोटो अपने सीने पर गुदवा लेता है। भगत सिंह राजगुरु को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिलाने की मांग के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकल पड़ा। इससे पहले विजय ने पुलवामा शहीदों के नाम अपनी पीठ पर गुदवा लिए थे। विजय हिंदुस्तानी जहां जहां से गुजर रहा, लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे। बागपत के सीमावर्ती गांव भडल पहुंचे विजय हिंदुस्तानी ने कहा, भगत सिंह दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं, लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के विचार बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इसलिए इन महान क्रांतिकारियों को उनका सम्मान दिलाने की मन्नत लेकर मैंने 51 तिरंगे झंडे अपने शरीर पर पिन किए हैं। महान क्रांतिकारियों की तरह खुद को बेड़ियों में जकड़कर हरिद्वार से पूरा महादेव तक की कांवड़ यात्रा कर रहा हूं। विजय हिंदुस्तानी अग्निवीर योजना को भी वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। ये देश के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उन हीरो के लिए है जिन्होंने देश की आजाद करा और देश के ऊपर कुर्बानी दी। उनके साथ में लाखों क्रांतिकारियों ने, लेकिन 7 दशक से ऊपर हो चुके आजाद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को कहने के शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये कावड़ उनके लिए है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आए। दूसरी अग्निवीर जो योजना है, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक जोश जज्बा है सेना में भर्ती होने का, कहीं ना कहीं वो जोश जज्बा कम हो रहा है। हर भारतीय युवा चाहता है कि मैं भी सेना में जाऊँ और लंबे समय तक देश की सेवा करूँ और कहीं ना कहीं मुझे मौका मिले। हर युवा चाहता है, जब से 7 साल या 4 साल की भर्ती हुई है, कहीं ना कहीं युवाओं का मन बहुत आहत है। आपने अपने शरीर पर जो है पिन भी लगाए हुए हैं, ये पिन उन शहीदों के नाम है जो फौजी भाई हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं। 51 तिरंगा पिन की कवर है और ये उन शहीदों के सम्मान में, कहने के उनकी याद में, उनकी आत्माओं के लिए, उनके परिवारों के लिए उनको एक श्रद्धांजलि है कि उनको कहीं ना कहीं हर किसी को याद करना चाहिए। ये अकेला हमारा काम नहीं, सभी लोग याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन शहीदों के लिए है। आपने अपनी पीठ पे भी जो है नाम लिखे हुए, ये पुलवामा के बाद में जितने भी जवान देश के अंदर शहीद हुए उनके जब नाम है, 267 शहीदों के नाम। आप जो है अपनी वीर की बात कर रहे हैं, नहीं एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको बताऊँ, कहने के युवा का मन दुखी है। अगर आप एक युवा से पूछोगे किसी गांव में जाकर या शहर में जाकर, जो आर्मी के लिए, देश के लिए, तिरंगे के लिए, हर एक युवा, प्रत्येक युवा कहने अपनी जी जान लगा देता है, 4-4 साल तक तैयारी करता है, कहने की 7 साल से नहीं, युवाओं का मन आत है पूरे देश में। आप जो है इतना दर्द महसूस, ये दर्द कुछ नहीं है। जब हमारे देश के सच्चे हीरो भगत सिंह ने फांसी पर चढ़े, जैसे बेड़ियों में बंद थे उस समय, आज भगत सिंह के विचारों पर बेड़िया लग चुकी है। बेड़िया इसलिए लग चुकी है क्योंकि 7 दशक से ऊपर हो चुके, लेकिन आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दर्जा नहीं मिला। बेड़िया इसलिए लगाई है क्योंकि अग्निवीर जो भर्ती है, कहने के वो लागू की, क्योंकि युवाओं का जो जज्बा था, जुनून है, उन पर बेड़िया लग चुकी है। बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। अगर अग्निवीर योजना रद्द नहीं होती तो आगे फिर प्रयास किया जाएगा, पूरे देश में मुहिम चलाई जाएगी और कहने की हम अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार है और कहने देश के लोगों ने उनको वोट दिया है, सब लोगों ने वोट दिया है और आज सत्ता में है। कहने के पिछले कई सालों से, मैं तो कहता हूँ, आज़ादी के जितने साल बाद भी जितने सरकारें आई गई, जितने नेता है देश के अंदर, सभी लोग इसमें जिम्मेदार है और सभी कहने कहीं इसमें कहीं ना कहीं उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहने के इस काम को सब लोगों को मिलकर उनको शहीद का दर्जा दिलाना चाहिए।